नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। शालीमार बाग में बदमाशों ने महिला की हत्या कर लूटा, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जोधपुर में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पूर्व RBI गवर्नर, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शालीमार बाग में बदमाशों ने महिला की हत्या कर लूटा। जी हां, उत्तर पश्चिमी जिले के शालीमार बाग इलाके में एक घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा मिला है और इसके साथ ही कैश और गहने गायब है। पुलिस ने इसे लूट के इरादे से हत्या मर्डर की वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है। जी हां, मृतक महिला की पहचान रजनी मदान के रूप में हुई है। वो शालीमार बाग इलाके में बी ब्लॉक में रहती थी। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त वो घर में अकेली थी। जी हां, बेटा अपने काम से बाहर गया था। दोपहर में उनकी बेटी ने से बेटे से कई बार बातचीत हुई और उसके बाद 3:30 बजे रजनी मदान का फोन सचिव ऑफ स्विच ऑफ हो गया। जी हाँ, रात करीब 9 बजे जब बेटा घर लौटा तो घर का मेन दरवाजा खुला था, अंदर सारा सामान बिखरा था और रजनी मदान अपने बिस्तर पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। जी हाँ, पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही साथ आसपास के CCTV फुटेज कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। मृतक के बेटे के अनुसार घर में करीब 80 तोले सोना और 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हां, जिससे पूरा इलाका सकते में है। जी हां, फिलहाल शालीमार बाग थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि वो आरोपी को जल्द ही दबोच लेगी। जोधपुर में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक, स्कॉर्पियो सवार पहले कैपरफीड डंपर से टकराया। जी हां, जोधपुर शहर के माता का थान इलाके में दिन दहाड़े दहशत फैल गई है। जी हां, इलाके में खड़ी स्कॉर्पियो कार को पहले बोलेरो कैंपर से टक्कर मार दी, उसके बाद उसी कार को डंपर से सेंध रौंदने का प्रयास किया गया। स्कॉर्पियो सवार युवक ने भागने की कोशिश की तो बोलेरो सवार बदमाशों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और सड़क पर ही हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। DCP डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे माता का थाना इलाके में मंदिर परिसर के पास हुई। मूल्य रूप में शिकारगढ़ के खाटी यासनी हाल निवासी ओमाराव रेलिया पर हमला हुआ है। ओमाराम को मथुरा दास मथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने 15-20 मिनट तक हमला किया। जी हां, रंजिश में हिस्ट्री शीटर पर हमला। DCP ने बताया कि फित कसनी निवासी हिस्ट्री शीटर सागर बिश्नोई और उसके साथियों ने ओमराव पर हमला किया था। दोनों के बीच काफी पुरानी दुश्मनी है। माता का थान क्षेत्र में सुबह दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सागर और उनके समर्थकों ने पहले USU सवार ओमराव की स्कॉर्पियो को बोलेरो कैंपर से टक्कर मार दी। जी हां, फिर डंपर को स्कॉर्पियो को कुचलने का प्रयास किया। जब ओमाराम कार से बाहर भागे तो उन्होंने उससे रोका और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पर्व RBI गवर्नर राहुल ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में RBI के पूर्व गवर्नर एंद्रा गुराम राजन शामिल हुए। जी हां, राहुल ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। टी ब्रेक तक दोनों बातचीत करते हुए चले। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने तवांग मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें चीन के अतिक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस मामले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। उधर राहुल ने महात्मा गांधी की यात्रा से उनकी तुलना करने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टोकते हुए नाराजगी जताई। राहुल ने कहा, अभी डोटासरा ने गांधी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। जी हां, गांधी की जी
गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और है, तुलना करनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने जो किया, इंदिरा गांधी ने जो किया, वे शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइक कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।